वेलकम टू ICSE हेल्प यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने आपको क्लास 8 का RS अग्रवाल राइटर के की बुक से आपको एक्सपोनेंट्स एंड कंपोनेंट के ऊपर कुछ फार्मूले बताए थे। आज उसी सीरीज में मैं आपको कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको यहाँ सॉल्व करने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें क्या होगा, 3 की पावर 2 इंटू 4 होल पावर 6। तो अब देखिए 3 की पावर 4 इंटू, अब इंटू जो लगाया है तो इंटू अगर हम लगाते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, एडिशन नहीं कर रहे, इंटू नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बच्चे लोग करते क्या है 3 × 2 कर देते हैं, और जबकि ये क्या हो जाएगी, पावर आपको एडिशन होनी है। तो 2 × 4, अब इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6, तो अब इसकी वैल्यू आ गई 3 की पावर 2 × 4 और 8 और 8 6 48, 3 की पावर 48, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5 − 4, सेकंड ये आपको दिया हुआ है, तो इसको हमको करना क्या होगा, तो माइनस फोर है पावर, तो आप क्या करेंगे, 1/ ये लिखेंगे इंटू 7 की पावर 15 होल पावर 3। तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/ ये, क्योंकि इवन दिया पावर तो माइनस साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 5 × 5 × 5 × 5 ये हो जाएगा इंटू 7 की पावर 5। अब 7 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ना भी लिखिए तो भी चलेगा, होल पावर 3। अब इसकी वैल्यू आएगी 7 की पावर 5 अपॉन इसकी क्या हो जाएगी, 5 की पावर 4 और इंटू इस पे 3 हो जाएगा और इस पे भी 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 की पावर 15 अपॉन 5 की पावर 12। 5 की पावर 12 ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, -8। अब यहाँ पे देखिए फिर पावर के आगे माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी -1/8 की पावर 4 डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इंटू 1/2 की पावर -8 और होल पावर 2। ये अब देखिए -8 दिया तो पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी ऊपर माइनस को ऊपर ले जाएंगे, 1/8 × 2 की पावर + 8। ये अब इसको आपको सॉल्व करना है, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3 × 2 की पावर 8। ये माइनस साइन मेरा ऐसी रहेगा अभी। अब ये पावर जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 8 − 3, क्योंकि बेस सेम है दोनों में, तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है, और होल पावर आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2। तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी, -2 की पावर 5 और 5 का होल स्क्वायर, तो ये इतना हो गया -2 की पावर 10। अब ये इवन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
ये आपका आंसर हो गया 2 की पावर 10। ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सेम प्रोसेस जो अभी आपको बताया था, पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस को चेंज करेंगे, पावर माइनस में है तो 1/4 की होल पावर 2 हो जाएगी, और डिवाइड का साइन है तो इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस है तो पहले इनटू को तो हम ये करेंगे, इस तरह से डिवाइड साइन हटाया और पावर क्या कर दी, माइनस टू वैसी रखी जाएगी, और होल पावर 2 इनटू थी, अब यहाँ पे भी माइनस है तो 1/3 की पावर 4। अब इसको आप ओपन कर लीजिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 इनटू, अब ये माइनस में पावर चेंज हो जाएगी, ऊपर ले जाइए तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो इसको हम 6 की पावर 2 कर दीजिए, या 2 बार आप 6 कर दीजिए, और नीचे आ गया 1/2 × 1/3 की पावर 4। अब इसको कटिंग और सॉल्व करना है तो एक बार देखिए, 1/4 × 4 × 6 × 6 2 की टेबल से 2, 3 और 2, 3 क्लियर, और होल पावर 2 × 1/3 की पावर 4। अब देखिए इसको 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × यहाँ पे 2 बार 3 है तो ये होल पावर 2 × 3 की पावर ये। अब देखिए यहाँ क्योंकि होल पावर 2 है तो यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा पावर में, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/2 की पावर 4 2 × 4 × 1/3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 ये कैंसिल हो गया, क्लियर, तो आंसर आपका आ गया 1/2 की पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया है, तो 2 की पावर कितना हो गया, 6 × ये क्या हो गया, 5 की पावर, इवन है माइनस, माइनस साइन है और इवन पावर है तो हमने क्या बताया था, प्लस हो जाता है, तो 5 की पावर 2 अपन यहाँ पे क्या दिया, होल पावर है तो 5 की पावर 2 × 2 × 2 × 16 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4। देखिए इधर मैं कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 4 2 × 8 8 2 × 16 तो 2 की पावर कितनी आ गई, 4। अब देखिए 2 की पावर 5 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 और यहाँ पे है 5 की पावर 2 × 2 बार है, तो अगर हम इसको इस ढंग से लिख लें आपको इजी रहेगा कि कैसे कटिंग हो रही है, ये देखिए ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई। अब ये बचा, अब 2 की पावर 4 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर 6 और बताया था जब ऊपर जाएगा बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2। तब देखिए 2 की पावर 2/5 की पावर 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 की होल पावर 2 क्लियर, दैट्स योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर -3 तो ये कितना हो जाएगा, पहले माइनस को आप हटा दीजिए, 2 की पावर 3 की होल पावर 2 इंटू
थ्री की पावर टू माइनस है, यहाँ रहने दीजिए, इनटू फाइव को हम क्या लिखेंगे, फाइव की पावर माइनस फोर है, तो ये आ जाएगा होल पावर टू। इसको हम करेंगे वन अपॉन टू की पावर टू होल पावर फाइव इंटू थ्री का क्यूब अपॉन नहीं होगा यहाँ ये है, तो अब होल पावर माइनस टू, इसको एज इट इज रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले वन अपॉन फाइव की पावर थ्री हो जाएगा यहाँ और होल पावर फोर, क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए, वन अपॉन टू थ्री जै सिक्स, टू की पावर सिक्स हो गई इंटू हो गई थ्री की पावर टू, एज इट इज रखिए। और देखिए अब यहाँ पे, अच्छा चलिए आगे बताता हूँ इसको, वन अपॉन फोर तो ये हो जाएगा फाइव की पावर फोर टू जा एट, क्लियर इनटू। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, इनटू मत करिए नीचे, ये 58 मत पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा और से क्लियर कर दूँ, फाइव की पावर एट ये हो जाएगा वन अपॉन टू की पावर टेन इंटू थ्री की पावर थ्री अपॉन माइनस टू इंटू वन अपॉन फाइव की पावर ट्वेल्व, क्लियर। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर रहा हूँ। अब आप इसको देखिए, वन टू एक एक पॉइंट लेते जाइएगा, तो वन अपॉन टू की पावर सिक्स इंटू टू की पावर टेन अपॉन वन हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, नंबर फोर कहाँ जाएगा ऊपर, इंटू थ्री की का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन, और नाइन की वैल्यू आ गई ये होल पावर माइनस थ्री। अब इंटू वन अपॉन फाइव की पावर एट, और नीचे से देखिए यहाँ से ऊपर चला जाएगा कितना, थ्री की पावर थ्री है ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, ट्वेंटी सेवन और ये जो है ऊपर आ जाएगा फाइव की पावर माइनस ट्वेल्व, क्लियर। अब आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ ऊपर माइनस कर दीजिए, टू की पावर टेन माइनस सिक्स हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा नाइन की पावर वन अपॉन नाइन की पावर थ्री इनटू फाइव की पावर, ये इसमें माइनस हो जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस एट, और इसको हम क्या करेंगे ट्वेंटी सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन दो बार लिख लेंगे। अब देखिए जो हमने नाइन की पावर थ्री किया है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे टू की पावर फोर इंटू वन अपॉन नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन, और यहाँ आ जाएगा फाइव की पावर माइनस ट्वेंटी, और ये हो जाएगा 27 इंटू 27। इस 9 से इसको कट कर दीजिए 3, इस 9 से इसको कट कर दीजिए 3, और इस 3 से इसको कट कर दीजिए 3 आ गया, 3 से 3 कट हो गया, तो अब कितनी वैल्यू आ गई 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 20। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, टू की पावर फोर अपॉन फाइव की पावर ट्वेंटी, दैट्स इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड,
यहाँ पे आपको देखिए नंबर न दे करके उसने अलजेब्रिक वैल्यू को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ मैं, एल की पावर माइनस फोर इंटू एम की पावर थ्री इंटू वन अपन, क्योंकि एन स्क्वायर है, यहाँ पे भी आप चेंज कर लीजिए वन अपन एल की पावर प्लस फोर, क्योंकि माइनस था पावर मैंने चेंज कर दी तो कितना हो गया, रेसिप्रोकल करने पे पावर प्लस हो जाती है, और यहाँ पे भी चेंज इंटू जेड की पावर सिक्स अपन एन की पावर थ्री रहेगी। अब इसकी वैल्यू हुई वन अपॉन एल, क्योंकि पावर क्या माइनस में है तो वन अपॉन कर देंगे, और किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी नंबर पे या अलजेब्रिक हो चाहिए तो अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है, और इसको भी मैंने रेसिप्रोकल कर दिया एम स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या जाएगा, एल की पावर फोर इंटू वन टू थ्री फोर, एल यहाँ भी लिखा है, एल ऊपर चला गया, पावर माइनस में हो गई, ठीक है, नहीं प्लस में रहेगी, एल नंबर फोर ऊपर जाएगा और नीचे वन हो जाएगा, इंटू एम की पावर थ्री है और यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएगा एम की पावर टू। आप देखिए एन स्क्वायर ये है और यहाँ पे क्या है, एन की पावर क्यूब, तो वन अपॉन एन की पावर थ्री। अब आप सॉल्व कर लीजिए तो इस एल से एक ये कट गया तो थ्री आ गया, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वन अपॉन एल की पावर थ्री इंटू एम की पावर थ्री प्लस टू इंटू वन अपॉन एन की पावर टू प्लस थ्री। तो अब आपका आंसर आ जाएगा वन अपॉन एल क्यूब इंटू एम की पावर फाइव अपॉन एन की पावर फाइव, ये आपका आंसर आ गया। कहीं कहीं बुक में इस तरह से भी आपको मिल सकता है, वन अपॉन एल की पावर थ्री इंटू एम अपॉन एन की होल पावर फाइव। क्लियर हो गया, आप लोगों को मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए, और आपको जो और कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक पे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। ओके, हैव अ नाइस डे।